सनातन धर्म के ग्रंथों में चारधाम यात्रा को शुभ माना गया है। हर साल लाखों भक्त मन में अपार आस्था लिए इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। यात्रा का मुख्य पड़ाव रुद्रप्रयाग में मौजूद केदारनाथ धाम है। अब इसी यात्रा के लिए श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण करा रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए पांच ही दिन में पंजीकरण का आंकड़ा 10,66,000 तक पहुंच चुका है, जिसमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा करीब 3.5 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दरअसल चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हुई है। वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर पर भी पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। वैसे तो उत्तराखंड सरकार की ओर से चारधाम यात्रियों को यात्रा करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गई है, जिससे देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालु घर बैठे पंजीकरण करा सकते हैं। लेकिन प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों को भी जगह जगह पंजीकरण की सुविधा दी जाती है। इसके लिए विभाग की ओर से पंजीकरण काउंटर खोले जाते हैं। इसमें धर्मनगरी में भी काउंटर स्थापित किए जाते हैं। अगर आप भी चारधाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो उसको registrationandtouristcare.uk.gov.in पर लॉगिन कर पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा लिखकर मैसेज करके भी पंजीकरण कर सकते हैं। जो यात्री वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं कर पाते, उनके लिए पर्यटन विभाग ने टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करने पर पंजीकरण की सुविधा दी है। साथ ही स्मार्टफोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप से पंजीकरण कर सकते हैं। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड की वेबसाइट पर आधार कार्ड और फोटो अपलोड करना होगा। इसके साथ ही घर का पता और मोबाइल नंबर भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखना होगा। जो लोग निजी वाहन से आ रहे हैं, उन्हें अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो लोग हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, उन्हें देहरादून के ग्रैंड जॉली एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। रेल से आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून पहुंच सकते हैं। इन तीनों शहरों से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। दरअसल उत्तराखंड के ये चारों मंदिर शीतकाल यानी ठंड के दिनों में करीब 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। शीतकाल में यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, बर्फबारी होती है, इसी वजह से मंदिरों को दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अप्रैल मई मौसम में बदलाव के साथ ही मंदिरों को दर्शन के लिए खोल दिया जाता है और ये यात्रा करीब 6 महीने चलती है। टीम न्यूज़ स्टेट।